नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गेहूं साप्ताहिक चर्चा पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पिछले पूरे हफ्ते कैसा रहा गेहूं बाजार का रुझान और समझेंगे सरकार द्वारा किए जा रहे विचार विमर्श। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले सप्ताह गेहूं दिल्ली ऑरेंज रोड में 2525 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। बीते सप्ताह के दौरान गेहूं की मांग बनी रहने से ओवरऑल कीमतों में मजबूती दर्ज। दिल्ली बाजार एक अहम स्पॉट पर टिका हुआ है और ये जितना ज्यादा दिन इस भाव पर रहेगा उतने ही तेजी से बाजार ऊपर जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगस्त में ही बाजार अपने इस साल के ऑल टाइम हाई को दोबारा टच कर सकता है। वहीं पिछले सप्ताह आटा, मैदा और सूजी के भाव में 150 रुपए से अधिक की तेजी दर्ज की गई है और उससे पिछले सप्ताह भी 100 रुपए से ज्यादा की मजबूती दर्ज हुई। आने वाले दिनों में भी भाव 100 रुपए तक और मजबूत रहने के आसार है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार इम्पोर्ट ड्यूटी हटाने या कम करने पर ज्यादा फोकस कर रही है बजाय रशिया से इम्पोर्ट के। हालांकि अभी सरकार ने इस पर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं दी है। सरकार का कहना है कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी आपूर्ति और दाम को स्थिर बनाए रखने की। आगामी सातवें टेंडर में कुल 1,09,000 टन के आसपास गेहूं आवंटित होगा, जिसमें FAQ 18,994 और URS 90,100 टन के आसपास है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप सभी अपने गेहूं स्टॉक का डाटा सरकार की वेबसाइट पर अपलोड अवश्य करें, क्योंकि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार डाटा बेहद कम अपडेट किया गया है। सरकार के पास यदि सही जानकारी होगी तो नीति भी उसी हिसाब से बनेगी और यदि सरकार के पास गलत जानकारी पहुंचेगी तो निर्णय भी गलत लिया जा सकता है, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से सही नहीं होगा। यदि स्टॉक की जानकारी नहीं दी गई तो सरकार फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकती है और अघोषित माल को जब्त भी कर सकती है। इसलिए हर शुक्रवार अपने स्टॉक की जानकारी अवश्य दें। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार किस तरफ कदम उठाती है। कृपया अपने स्टॉक डाटा को सही से अपलोड करें ताकि बाजार के हित में सही निर्णय लिया जा सके। इसी के साथ हमारी गेहूं साप्ताहिक चर्चा समाप्त होती है। अब अपने सुझाव नीचे कमेंट में दे सकते हैं। हम जल्द लौटेंगे गेहूं बाजार में हो रही महत्वपूर्ण गतिविधियों को लेके। तब तक के लिए डाउनलोड करिए हमारी फ्री और बिजनेस मंडी ऐप, जहां आपको मिलेंगे गेहूं बाजार से जुड़ी सारी खबरें और देश भर की मंडियों के ताज़ा भाव वो भी मुफ्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, बाजार की ताज़ा खबर मिले सिर्फ और बिजनेस ऐप पर। धन्यवाद।